आज हम दक्षिण हरियाणा के हरियाणा में पूरी जगह घूमते घूमते हमारी यात्रा पहुंची है नारनौल। क्या मोदी जी या फिर राहुल? फिर काम तो गवर्नमेंट अच्छा ही कर रही है, लेकिन ये तो व्यवस्था तो यहाँ के प्रशासन की वजह से ही हो रहा है। मोदी जी ने कुछ देश के लिए अच्छा किया? तो देश के लिए तो अच्छा कर रहे हो ऐसी तो बात। राहुल जी? राहुल जी तो क्या बात करेंगे भाई, छोड़ो उसको नहीं। अभी राजनीति का अभी तक ज्ञान नहीं आया है। वो उनके जो गाइड करते ना, सिर्फ वो जो बोलते वो बोल देते, उनको ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। यहाँ नांगल चौधरी नारनौल में, नारनौल अटेली और नांगल चौधरी में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धर्मवीर जी का हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या लगता है राहुल या मोदी? बट सेंटर में सर आनी बीजेपी है, कन्फर्म है, श्योर है सर, डैम श्योर, बिल्कुल। पेड़ के ऊपर लाइन जा रही है, कह भी दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, वो हादसा का इंतजार कर रहे हैं? बड़ा हादसा होगा, हादसा हुआ है, ऐसा इंतजार कर रहे हैं कि ये लाइन टूट के यहाँ गिरे, आदमी मरे, फिर हम संभाले। अब मुझे ये बताइए, चुनाव का समय है, राहुल या मोदी, क्या लगता है? देखो, ऐसा है, बदलाव होना वो भी जरूरी है भाई, मोदी की जगह राहुल भी आए, लेकिन जनाधार तो जैसे मोदी जी का ही है और कर रहे हैं काम, वो नहीं है, लेकिन नीचे के लेवल पे काम नहीं हो। मोदी जी के बराबर में एक से लेकर 10 तक कोई नहीं है, उसके बाद 11वां नंबर किसी का होगा, और अगर मोदी नहीं बना तो ये देश तरक्की बिल्कुल नहीं करेगा। राहुल के बारे में? राहुल इज नथिंग, कुछ नहीं। यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट की जीत थी धर्मवीर की, अब के बारे में क्या लगता है? अगर सुरती बराबरी में आती तो कुछ मुकाबला होता, अभी दान सिंह का तो कोई मुकाबला नहीं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज हम दक्षिण हरियाणा के हरियाणा में पूरी जगह घूमते घूमते हमारी यात्रा पहुंची है नारनौल, और इससे आगे राजस्थान, लास्ट नारनौल शहर में मौजूद है। सुभाष पार्क नज़ारा दिखा दीजिए, काफ़ी पुराना पार्क है ये, और यहाँ पे अक्सर महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, छोटे बच्चे शाम को यहाँ का अच्छी खासी भरमार होती है। और पीछे का गुंबद दिखा दीजिए नारनौल का, पीछे का गुंबद भी दिखा दीजिए, और साथ साथ लोगों से जानेंगे, यहाँ बहुत बुद्धिजीवी शाम को लोग आते हैं सैर सपाटा करने, इनसे सबसे जानकारी लेंगे। बाबा भाई साहब, पहले आपसे पूछते हैं, सबसे पहले अभी चुनाव का समय चल रहा है, सभी नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या पसंद रहेगी, मोदी जी या राहुल? ये तो समय बताएगा। फिर भी क्या कुछ मुद्दे क्या रहेंगे, क्या मोदी जी जो कहते हैं कुछ खरे उतर पाए हैं, क्या देश के लिए सही कर रहे हैं? ये तो ऐसा है कि हर सब हर आदमी का अपना अपना निर्णय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो मेरे लिए तो मोदी है, क्योंकि मोदी ने डिफेंस का बहुत बहुत कुछ किया है। फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कुछ बताएंगे? प्रधानमंत्री तो वोट पड़ेंगे जो बताएंगे, पिछली योजना में जो इनके MPO का वोट पड़ा, जब बोलते थे भाई कांग्रेस आओगी कांग्रेस है, लेकिन उसमें सारी सीट मोदी लेगा, तो इसमें क्या कह सकते हैं? अभी इसमें तो कुछ नहीं कह सकता, जैसे जब गिनती होगी जब होगा। तो मोदी ने बदलना जब ठीक रहे। क्यों बदल रहे, क्या लगता है? बदलना चाहिए, लेकिन बनने वाला कोई कौन दिख रहा है? भागदा तो क्या पता किसका बहुमत होगा, अभी तो बहुमत तो किसी का नहीं होना, ये 50-50, 100-100 सीटों में चुनाव। हाँ, तो क्या पता अभी कौन आओगा, बताओ। कुछ लोगों से और मिलवाते थे, भाई साहब थोड़ा सा बातचीत करें आपसे भी, ये पार्क का हाल भी हाल है, पार्क देख लीजिए क्या कहेंगे। अच्छा, नाम क्या है? मेरा कैप्टन वीरेंद्र सिंह है। कैप्टन साहब, अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं? हाँ जी, रिटायर हो गए हूँ। तो काफी बच्चों को परेड करवाई आपने, आप छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेके घूम रहे हैं आप। अच्छा, कैसा लग रहा है, क्या मोदी जी या फिर राहुल? फिर काम तो गवर्नमेंट अच्छा ही कर रही है, लेकिन ये तो व्यवस्था तो यहाँ के प्रशासन की वजह से ही हो रहा है, हालत इतनी बुरी खराब, गवर्नमेंट पैसे की कमी नहीं छोड़ती है, लेकिन यहाँ पे जो करते ना बीच में भ्रष्टाचार के, लेबर के नाम पे चल रहा है यहाँ पे, लेकिन एक भी लेबर नहीं दिखता है, पूरे डंगर यहाँ घूमते हैं, सारी ईंटें दीवारें टूटी पड़ी है, कोई गेट नहीं है सुरक्षित, शाम को शराबी यहाँ पे बैठते आकर के, तो आता ही नहीं यहाँ पे। 10 बार तो मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ, यहाँ पे क्रिकेट खेलते बच्चे, किसी लेडीज को लग जाए गेंद, फुटबॉल खेलते हैं किसी बच्चे को, मेरी इस बच्ची को 2 बार लग चुकी है चोट, और मैंने कंप्लेंट भी की थी, ठीक है, लेकिन यहाँ बच्चे मानते नहीं, बड़े कोई सुनते नहीं यहाँ पे किसी की, कमी प्रशासन की है सारी की सारी, कोई कानून व्यवस्था सही नहीं है, नहीं तो एक बार बच्चे को समझा दिया और उसके बाद वो नहीं मानता है,
और वो पुलिस को ये बोलता है कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि यहाँ नहीं खेलना है, बताओ। ग्राउंड होता है क्रिकेट के लिए तो देखो पार्क नहीं। खेल मैं यही बोला कि घूमने फिरने की जगह है ना कि यहाँ पे खेलने की जगह है, यहाँ लोग घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, हाँ छोटे बच्चे खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब क्या लग रहा है मोदी जी ने कुछ देश के लिए अच्छा किया? ये देश के लिए तो अच्छा कर रहे हो ऐसी बात। राहुल जी, राहुल जी को तो क्या बात करेंगे भाई, छोड़ो उसको नहीं, अभी राजनीति का अभी तक ज्ञान नहीं आया है, वो उनके जो गाइड करते ना सिर्फ वो जो बोलते वो बोल देते, उनको ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ, दिक्कत ही आती है। लेकिन जो अगर देश के लिए जो सोचता है हम उसके साथ हैं। जी सर क्या कहेंगे आप, आए हैं क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा मोदी है तो मुमकिन, बिल्कुल ये है जी, ये जो देश के लिए कराया है कोई आज तक किसी ने किया नहीं, जो आज तक किया है। मोदी में स्वार्थ नहीं है? स्वार्थ भावना बिल्कुल नहीं है, देश हित की बात करते हैं। क्या लगता है आपकी बार मोदी जी क्या? मोदी जी 400 पार तो नहीं, 80 के लगभग तो हो जाएंगे, 380 सीटें बता दी भाई साहब ने। अच्छा क्या लगता है राहुल और ये सारी पार्टियां मिलकर लड़ रही है? कुछ भी हो कोई उनका वो नहीं, यहाँ से चौधरी धर्मवीर और रावदान सिंह और ये क्या नाम ये धर्मवीर जी जीतेंगे। अच्छा लगभग कितने से जीतने का तो मार्जिन नहीं कह सकते, पर जीतेंगे पक्का, इसमें कोई दोहरा नहीं। पहले लीड अच्छी खासी बता रहे हैं, 4 लाख पहले ज्यादा थी, अब हो सकता है कम हो, पर जीतेंगे जीतेंगे हाँ पक्का। अच्छा क्या रहेगा और यहाँ नांगल चौधरी नारनौल में? नारनौल अटेली और नांगल चौधरी में तो बहुत ही अच्छा रहेगा धर्मवीर जी का। हर हर मोदी, हाँ बिल्कुल ये बात, हर हर मोदी घर घर मोदी। क्या लगता है राहुल या मोदी आपकी बात चुनाव में? सर सेंटर में अब वही बात है ना सर, कमेटी में सारे बैठे हैं, विपक्ष के भी बैठे हैं, राहुल के भी बैठे हैं, बीजेपी के भी बैठे हैं, बट सेंटर में सर आनी बीजेपी है, कन्फर्म है, श्योर है सर, डैम श्योर बिल्कुल। आपको क्या लगता है सही है आपकी नज़र में बीजेपी आनी चाहिए? सर सही है, देखा जाए तो सही है, सही है। आप क्या कहेंगे? बीजेपी सही है। ठीक है, क्या कहेंगे? बीजेपी। सर मेरे हिसाब से अच्छा वही होगा जो बेरोजगारों को नौकरी दे, मतलब एक स्टूडेंट बेरोजगार स्टूडेंट के लिए तो वही अच्छा होगा ना, जो बेरोजगारों के मतलब रोजगार दे उसके लिए, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए उसको, एक रोजगार को एक मतलब बेरोजगार के यही चाहिए। बाकी मोदी मतलब मोदी का भी देख लिया, अब कांग्रेस आएगी तो उसका भी देख लेंगे बच्चे। आजकल आप देख रहे हो हरियाणा में भी भर्ती पूरी नहीं हुई है, इसका कारण भी खट्टर था, खट्टर ने इस्तीफा दे दिया, अब नायब सिंह सैनी को बनाया गया, वो भी देखते हैं क्या करते हैं। आज मतलब 8-9 महीने हो गए ग्रुप डी की भर्ती पूरी नहीं हुई है। क्या लगता है जी ऑल ओवर अभी चुनाव का समय है? क्या लग रहा है चुनाव का समय? तो ठीक है, पार्क की तो आपने देख ही ली, 3 महीने से 6 महीने से तार टूटे हुए हैं, लाइन चल रही है पूरी, स्टार्ट हो रही है बिजली, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे खूब कह चुके हाँ जी आते हैं, कह भी चुके बड़ा हादसा, इसमें पेड़ भी टूटा पड़ा है, पेड़ के ऊपर लाइन जा रही है, कह भी दिया फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा वो हादसा के इंतजार कर रहे हैं, बड़ा हादसा होगा, हादसा हुआ है ऐसा इंतजार कर रहे हैं कि ये लाइन टूट के यहाँ गिरे, आदमी मरे, फिर हम संभाले। पैसा आया था जी, अभी पैसा आया, बोले 2 करोड़ ये ऐसा कुछ इसमें आया था, तस्वीर बदल जाती, लेकिन वो पैसा कहते हैं कहीं और ही दिखा दिया कागजों में, आप मेरे यहाँ बाहर निकलोगे नाला दिखा रहे, यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लगा सर, वो 2 करोड़ खा पी गए सब। तो ये तस्वीर देख लीजिए, पूरा हरियाणा देख रहा, पूरा भारत देख रहा है ये तस्वीरें, सुभाष पार्क में ऐतिहासिक धरोहर है ये, और साहब यहाँ पे रणजीत चौटाला भी आ चुके, ओम प्रकाश एडीओ भी आ चुके यहाँ पे, ये लोग कह रहे हैं, और पीछे तार लटके हुए तारों पे कंप्लेंट भी कर चुके भाई साहब वहाँ पे, कह रहे हैं बड़े हादसे के इंतजार में है, और बड़ा हादसा होगा, शासन प्रशासन खड़ा हो गया, आइए इससे पहले आना नहीं है, और कहते हैं 2 करोड़ रुपए की बता रही है, बोले कहाँ खुर्दमुर्द कर दिया हमें पता ही नहीं चला। एकमात्र ये पार्क है और बस से बदतर हालत है, हम तो शॉक्ड हो गए, ये पार्क है भला, तो अच्छे खासे पार्क उनको क्या कहेंगे लोग, ये पार्क है तो, ये तो खेतों खेत से भी बुरा माहौल है यहाँ पे जी। सर मुझे इतना बताइए, ये सब देख रहे हैं, कमी देखो प्रशासन की शासन की है, पैसा आता है कहाँ चला जाता है, ये कोई तो हिसाब लेने वाला चाहिए, हिसाब कौन लेगा फिर? सारी जनता जब जागरूक होगी, सबका सहयोग साथ होगा, सब ये सोचेंगे कि भाई नाला नहीं बना, एक आदमी से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, मैं जाके कहूँ नाला, एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता, सब लोग जब इकट्ठे होंगे सामूहिक रूप पे जनता चाहेगी तो वो सब कुछ कर सकती है, जनता क्या नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात बोले, जनता सरकार भी बदल सकती है, जनता चाहे MLA बदल दे, मंत्री भी बदल। अब मुझे ये बताइए चुनाव का समय है, राहुल या मोदी क्या लगता है? देखो ऐसा है,
बदलाव होना वो भी जरूरी है भाई, मोदी की जगह राहुल भी आए, लेकिन राहुल के पास वो नहीं है मैनिफेस्टो, क्योंकि उसके 20-25 वो साथ में खड़े हो रहे हैं, कभी अखिलेश प्रधानमंत्री कोई दावेदार नहीं है, कभी वो दिखाते हैं जी अपना ये आ गया ममता आ गई, कभी कहते हैं अखिलेश आ गया, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया, तो कैंडिडेट मतलब मजबूत तो 500 सीटों पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है उनसे, खाली बीजेपी पार्टी है वो 500 भी लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रहा। तो अभी तो देखो जनाधार तो जैसे मोदी जी का ही है और कर रहे हैं काम, वो नहीं है, लेकिन नीचे के लेवल पे काम नहीं हो रहा, जैसे अब ये पार्क वारक है लोगों को है, यूं तो सड़कें बाईपास भी बनी है, मेडिकल कॉलेज भी हाँ वो भी बना है, लेकिन जो नीचे लेवल पे जैसे अब लोगों की ये चाहत है भाई, सब लोग आते हैं, वो तार की केबल होगी वो करवा सकते हैं। अहिरवाल क्षेत्र हर बार बीजेपी की सरकार बनाता है, ये भी सच्ची बात है, पिछली बार 14, अब की बार 11, अब की बार ये 16 कह रहे हैं, हर बार यहाँ से जीत के निकलते हैं, और अब भी भाई साहब कह रहे हैं यहाँ से कि मोदी जी सही है। सुभाष पार्क का हाल खराब है, मोदी जी सही है, लेकिन नीचे लेवल पे अगर ये सही रखेंगे तो ही फिर मोदी जी को आदमी चाहेगा ना, अगर नीचे खराब करेंगे काम तो फिर कैसे होगा बताओ। सर क्या कहेंगे सरकार के बारे में? हाँ, मोदी सरकार बहुत अच्छी है, देशभक्त सरकार है, और मोदी जी के बराबर में एक से लेकर 10 तक कोई नहीं है, उसके बाद 11वां नंबर किसी का होगा, और अगर मोदी नहीं बना तो ये देश तरक्की बिल्कुल नहीं करेगा। क्या बात है। राहुल के बारे में? राहुल इज नथिंग, कुछ नहीं। तो पिछली बार 4,75,000 की यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट की जीत थी धर्मेंद्र की, अब की बार क्या लगता है? अब की बार बिल्कुल सेम है वही, अब की तो और भी ज्यादा बल्कि जीतेगा, अगर सुरती बराबरी में आती तो कुछ मुकाबला होता, अभी दान सिंह का तो कोई मुकाबला नहीं, कोई नहीं, इतना मुकाबला नहीं है। किसका? दान सिंह का, धर्मवीर के साथ नहीं है, धर्मवीर के मुकाबले में दान सिंह एक गलत उम्मीदवार इन्होंने कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, श्रुति चौधरी होती कुछ मुकाबला करती, हाँ श्रुति चौधरी का कुछ मुकाबला करती, हाँ था, अब इतना नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं। पार्क का हाल भी है, हाल है भाई साहब, ने पूरा गुणगान कर दिया, यहाँ पे कमी किसकी? प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है, नगर पालिका की सबसे बड़ी कमी है, और विधायक को भी तो आप खुद यहाँ के लोकल जनता ही बनाती है, तो फिर विधायक भी तो एक गवर्नमेंट के आदमी है, नगर पालिका में तो भ्रष्टाचार है, विधायक भी भ्रष्टाचारी है यहाँ का, और यहाँ 10 साल मेरे को होगी देखते हुए कोई भी 1 रुपया भी यहाँ लगा नहीं है। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, आए थे हम यहाँ चुनाव के समीकरण के लिए, के पूछे कि अभी चुनाव का माहौल है, क्या मुद्दे रहेंगे लोगों के, किसको देखना पसंद करते हैं, राहुल या मोदी जी को, लेकिन यहाँ तो माहौल ही कुछ और है, और ये ऐतिहासिक धरोहर है, बताता चलूँ मैं, पूरे भारत में इस तरीके की इतिहास पार्क में ऐसी धरोहर कहीं नहीं मिलेगी, बाकी तो इससे बड़ी बड़ी धरोहर मिल जाएंगे, लेकिन पार्क में गुम्बद है, ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हाल बेहाल है, अंधेरी चौपट राजा अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो सर अब क्या लगता है चुनाव के समय, थोड़ा सा ये बातचीत कर लें, क्या देख रहे हो मोदी जी या राहुल जी? अरे इसके बारे में तो देखो हम ज़्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं है, तो अब कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, तो कहीं नहीं, हमारे वाले तो वो तो उनके मुद्दे लेके घूम रहे हैं, वो जनता के मुद्दे कहाँ हैं? कोई मुद्दे नहीं है इस चुनाव में, सब किसी के पास नहीं है, कोई किसी भी पार्टी के पास नहीं है मुद्दा, है ना, सब बस वो अपने में उलझे हुए, जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि यहाँ पे आएगा तो मोदी जी एक नारा लगा है, और ऊपर मोदी को अभी सारी पार्टियां लड़के ले, उनका प्रधानमंत्री बनेगा कौन ये नहीं पता है, अभी भाई साहब कह रहे थे नीचे खड़े खड़े, तो क्या देखते हैं? ये तो साहब जनता का फैसला है, क्या करती है क्या नहीं है, जनता जनार्दन है इसमें, देखो सही मायने में तो ना कोई ये भी नहीं देख रहा भाई किसने काम किया कि नहीं, ये मुद्दे कौन हो जाते हैं, और जब चुनाव के टाइम पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धर्म की आड़ लेते हैं लोग, कोई जाति है, सारी समीकरण बदल ही जाते हैं, विकास को इस चीज को भी नहीं देखता है कोई, तो क्या कहेंगे सर? मेरा तो एक ही जवाब है, लेट द नेशन डिसाइड। अच्छा सही है सर, सारे बुद्धिजीवी हैं, अपने विवेक से बढ़िया सरकार बनाएगी, जनता जो करेगी जो फैसला बढ़िया ही करेगी सर, आने दो फैसला जो अच्छा ही आएगा, अच्छा ही आएगा, बिल्कुल लोकतंत्र पे विश्वास है जी पूरा, होना चाहिए 2 करोड़ में है लगे तो ईमानदारी, बाउंड्री वाल, मेन बाउंड्री वाल है, सांडों का जमावड़ा है, बाउंड्री वाल से तो अपने आप फसो आना रुक जाए, क्या बाउंड्री वाल सही, पीछे का गेट है, सारे गेट, पानी की व्यवस्था यहाँ पे, लाइट की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था, बाउंड्री की जाए, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, पानी चल नहीं रहा ना, पानी की व्यवस्था चल कहाँ रहा है, अब गर्मी का टाइम है तो घास के लिए पानी चाहिए ना, बैठने के लिए चेयर है वो टूटी पड़ी है,
लाइट है, एक ही लाइट है पूरे पार्क में। हम यहाँ नारनौल में सुभाष पार्क में मौजूद है, तस्वीरें क्लियर कर चुकी है यहाँ की जनता। यहाँ पे ओम प्रकाश एडीओ भी कई बार आ चुके हैं, यहाँ पे बड़े बड़े नेता सब अफसर भी आते हैं, अधिकारी आते हैं, बाबू आते हैं, लेकिन कहते हैं किसी के कान पे जू नहीं रेंगती, आते वो घूम के चले जाते हैं। ना यहाँ लाइट है, ना यहाँ बैठने के लिए चेयर है, सारी दीवारें टूटी पड़ी हैं, कूड़ा करकट का कहीं डब्बा नहीं रखा है, आवारा सांडों का जमवाड़ा है, यहाँ पे गंदा पानी इसके अंदर आ रहा है, लाइट गुमंद के पीछे नहीं है, और हाल बेहाल, और पानी पीने की व्यवस्था नहीं, पार्क में घास नहीं है, तो फिर है क्या? ये लोग पीछे खड़े ये देख रहे हैं, शायद हमारी खबर सुन के कहीं ना कहीं इन अधिकारियों कान पे जू रेंग जाए, एसी कमरे से शायद ये बाहर निकल जाए और आके यहाँ पे कम से कम काम कर पाए। हम तो हरियाणा सरकार को भी कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री साहब आचार संहिता के बाद कम से कम हिसाब तो ले लीजिए, सैनी साहब आप मुख्यमंत्री हैं, और नारनौल के लोगों की भी सुन लीजिए, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं तरसते दुखी हैं, और फिर कहीं ना कहीं ये तो यहाँ नारनौल के अधिकारी हैं, इनसे भी पूछ लीजिए आखिर आप कर क्या रहे हैं, एसी कमरे में सो रहे हैं, फिर घर चले जाते हैं, या फिर बाहर निकल के कुछ काम भी कर पाते हैं, तो इस बारे में क्या सोचते हैं आप सभी? शायद ही बहुत जल्दी इस पार्क का निर्माण कार्य हो, ये गेट वगैरह लगे, 33,000 केबी के लाइन बता रहे हैं, बड़े हादसे के इंतजार में हैं, वहाँ कभी ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उसको भी एक्शन साहब को रिटर्न में दे चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।